आरएस यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद सैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये कैसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्त में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है भूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया। साबिक वजीर कृष्णा यादव के बाद आज कैसीनो किंग चिक्कोटी प्रवीण की बीजेपी में शमूलियत पर रोक लग गई है। उनके पार्टी ऑफिस पहुंचने पर मरकजी वजीर वो तेलंगाना बीजेपी सदर जी किशन रेड्डी दस्तियाब ना रहे, जिस पर वो मायूस होकर हामियों के साथ वापस लौट गए। एक हफ्ते में ये दूसरा वाकया है जिससे बीजेपी में इख्तिलाफात और ग्रुप बंदियां फिर मंजरियाम पर आ गईं। एक हफ्ता कबल साबिक वजीर कृष्णा यादव बीजेपी में शामिल होने वाले थे। उन्हें पार्टी में शामिल होने रुकने असेंबली इटेला राजेंद्र ने राजी कराया था, जिस पर वो बीआरएस से मुस्तफी हो गए थे। मगर उस दिन किशन रेड्डी ने महाराष्ट्र के साबिक गवर्नर विद्यासागर राव को पार्टी में शामिल किया, लेकिन स्टैम्प पेपर स्कैम में जेल गए कृष्णा यादव को पार्टी में शामिल होने इजाजत नहीं दी। तमाम तैयारी करने वाले कृष्णा यादव मायूस हो गए। कैसीनो में पकड़े जाने ईडी तहकीकात का सामना करने वाले चिक्कोटी प्रवीण ने चंद दिन खबरें दिल्ली में बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय के साथ सीनियर कायदीन से मुलाकात करके बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया था। एक हफ्ता कबल भी अपने फैसले को दोहराया था। आज वो बीजेपी में शामिल होने करमान घाट से अपने मद्दाहों के साथ रैली में नामपली ऑफिस पहुंचे। उनके हामियों ने आतिशबाजी की और शोर शराबा किया, लेकिन बीजेपी ऑफिस पहुंचते ही चिक्कोटी प्रवीण को बड़ा झटका लगा। उन्हें बताया गया है कि किशन रेड्डी या दीगर कायदीन दस्तियाब नहीं है। ये बात सुनकर चिक्कोटी प्रवीण मायूस होकर वापस हो गए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो वजीर आजम मोदी से मुतासिर होकर बीजेपी में शामिल हो रहे थे। तालमेल के फुकदान की वजह से वो आज बीजेपी में शामिल नहीं हो सके। कौमी कायदीन से तबादले ख्याल के बाद वो मुस्तकबिल की हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। हैदराबाद के जुबली हिल्स रोड नंबर 10 पर वाक़े एक पब के सामने कल रात नौजवानों के दो ग्रुप्स के दरमियान झगड़े की इत्तला मिली है। मालूम हुआ है कि एक लड़की के मामले में दोनों ग्रुप्स एक दूसरे से मुतजादम हो गए। इत्तला मिली है कि हमले में हिस्सा लेने वालों में शामिल एक ग्रुप में आंध्र प्रदेश के साबिक डीजीपी के फर्जंद भी शामिल है। मीडिया के मुताबिक पब के अंदर लड़की के मसले पर नौजवानों के दो ग्रुप्स में झगड़ा हुआ, जिसके बाद वो बाहर आ गए और उनके दरमियान झगड़ा हुआ। झगड़े में दो नौजवान जख्मी हो गए, जिनमें साबिक डीजीपी के फर्जंद और एक नौजवान शामिल है। इतला मिलते ही जुबली हिल्स पुलिस मुकामी वाके पर पहुंची। तब तक दोनों ग्रुप्स वहां से फरार हो चुके थे। पुलिस इस इलाके में नस्ब सीसीटीवी फुटेज का जायजा ले रही है ताकि उन नौजवानों की शिनाख्त की जा सके। ताहल इस सिलसिले में जुबली हिल्स पुलिस को कोई शिकायत वसूल नहीं हुई है। ट्विटर पर एक सारिफ ने आंध्र प्रदेश के साबिक डीजीपी के फर्जंद की जानिब से मुबैना तौर पर हमले किए जाने की शिकायत करते हुए जुबली हिल्स पुलिस और कमिश्नर पुलिस हैदराबाद को ट्वीट किया है। बीआरएस की रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने राहुल गांधी को अपडेट ना रहने वाले आउटडेटेड कायद करार दिया। उन्होंने कौमी सतह पर बीआरएस की कांग्रेस के मुतबादल होने का दावा किया। जगतियाल में पार्टी वर्कर्स के इजलास से खिताब करते हुए कविता ने कहा कि कांग्रेस के कायदीन चीफ मिनिस्टर केसीआर की स्पीड के आसपास भी नहीं पहुंच सकते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अवामी एतमाद खो चुकी है। झूठे वादे करते हुए अवाम को धोखा देने की कोशिश, कांग्रेस पार्टी के वादे, डिक्लेरेशन और इंतखाबी मंशूर पर हरगिज भरोसा ना करने की आवाम से उन्होंने अपील की है। बीआरएस कौमी सतह पर कांग्रेस की मुतबादल बनकर उभर रही है। आवाम के लिए हमदर्दी का दिल रखने वाले केसीआर जैसे कायदीन सदियों में एक पैदा होते हैं। नकल मारने के लिए अकल की जरूरत होती है। राहुल गांधी इससे भी गए गुजरे हैं। हैदराबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास मुनक्कद हो रहा है। इस इजलास में शिरकत करने के लिए गांधी खानदान के तमाम अरकान हैदराबाद पहुँच रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस कायद को अपडेट न रहने वाले आउटडेटेड कायद करार दिया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जेर क्यादत बीआरएस हुकूमत के मुख्तलिफ महाजों बशमूल मुलाजमीन के मसाइल के हल में नाकामी पर बीजेपी की जानिब से शहर हैदराबाद के इंदिरा पार्क पर 24 घंटों की भूख हड़ताल की गई। मरकजी वजीर सियाहत और तेलंगाना बीजेपी के सरबरा किशन रेड्डी ने इस भूख हड़ताल का रस्मी तौर पर आगाज किया। इस एहतजाजी प्रोग्राम में पार्टी के सीनियर लीडरों और बीजेपी के कारकुनों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया और रियासत की हुक्मरानी जमात बीआरएस पर शदीद बरहमी का इजहार किया। तेलंगाना के मेदक जिले में एक राइस मिल के मालिक से डरा धमका कर रकम का मुतालबा करने वाले 5 नकली रिपोर्टर्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मेदक जिले की नारसिंह की पुलिस के मुताबिक राइस मिलर को धमकियां देने और गैर कानूनी तरीके से रकम बटोरने की कोशिश करने पर 5 नकली रिपोर्टर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। कामारेड्डी जिले के दासारी नागा राजू, कोकला राजू, मंडला राजा मोली, विडला राजेंद्र और मादेपली किरण कुमार 2 कारों में मेदक जिले के नरसिंगी आए थे और उन्होंने
रामायण पेट से नारसिंगी गोदाम की तरफ आ रही धान से लदी लॉरी को रोक लिया। ड्राइवर को धमकियां दी गई। ड्राइवर ने फौरी राइस मिल्स के मालिक श्रावण कुमार को इत्तला दी और वो वहां पहुंचे। 5 अफराद ने ये कहकर रकम का मुतालबा किया कि वो सहाफी है। रकम ना देने पर गैर कानूनी मुकदमा दर्ज कराने की उन्होंने धमकी दी। इनके रवैये पर शुबा जाहिर करते हुए श्रावण ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस आई और उनकी तफसीलात हासिल की, जिस पर पता चला कि ये तमाम नकली रिपोर्टर्स हैं। उनके पास 4 जाली शिनाख्ती कार्ड पाए गए हैं। मुलजिमीन को हिरासत में लेकर 2 कारें और 8 मोबाइल फोन कब्जे में ले लिए गए हैं। मालूम हुआ है कि उनके खिलाफ इस साल जून में कामारेड्डी जिले के भिकनूर में मुकदमा दर्ज किया गया है। शुमाली केरला के कोझिकोड जिले में निपा वायरस के इन्फेक्शन की वजह से जुमेरात और जुमा के रोज तमाम तालीमी इदारों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। छुट्टी का ऐलान कोझिकोड के जिले मजिस्ट्रेट ए गीता ने किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक पर एक पोस्ट में लिखा था कि तालीमी इदारे तलबा के लिए 2 दिन के लिए ऑनलाइन क्लासेस का इंतजाम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटियों के इम्तिहानी शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। रियासत में निपा वायरस का इन्फेक्शन फैल रहा है। एक 24 साल हेल्थ वर्कर वायरस से मुतासर पाया गया। केरला में इन्फेक्शन का ये 5वां केस है। इस दौरान कोझिकोड में निपा वायरस के इन्फेक्शन के पेश नजर पड़ोसी जिले वायनाड में 24 घंटे का कंट्रोल रूम कायम किया गया है। वायनाड जिले इंतजामिया ने 15 कोर कमेटियां तश्कील दी हैं ताकि इन्फेक्शन की रोकथाम और निगरानी की सरगर्मियों की खयालत करते हुए हंगामी हालात से मौसर तरीके से निपटा जा सके। हुकूमत ने कहा है कि रियासत में पाए जाने वाले वायरस का वेरियंट शक्ल बांग्लादेश में मौजूद वायरस के वेरियंट से मिलती जुलती है, जो इंसान से इंसान में फैलता है और इसमें अमवात की शराब बहुत ज्यादा है। अगरचे ये वायरस कम मुतादी है, रियासती वजीर सेहत वेना जॉर्ज ने कहा था कि हाई रिस्क जुमरे में आने वाले तमाम 76 अफराद की हालत मुस्तहकम है। हुकूमत ने बताया कि मुतादिल अलामात वाले मजीद 13 अफराद को अस्पताल में जेरे निगरानी रखा गया है। मुतासर अफराद में सिर्फ एक 9 साल बच्चे को खास निगरानी में रखा गया है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने कहा है कि वक्फ बोर्ड के दायरे अख्तियार में आने वाले मदारिस में संस्कृत लाजमी तौर पर पढ़ाई जाएगी। शम्स ने कहा कि वो अपने मंसूबे के तहत 117 मदारिस में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT के निसाब को जदीद बनाने के लिए नाफिज करेंगे, जहाँ तलबा साइंस, रियाजी, अरबी और संस्कृत की मियारी तालीम हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड संस्कृत और अरबी दोनों के लिए असातिज़ा का तकर्रुर भी करेगा। हमें अपनी सकाफत, उन्होंने कहा कि हमें अपनी सकाफत और रवायात से प्यार करना चाहिए और इसका एहतराम करना चाहिए। हम मदारिस में संस्कृत और अरबी दोनों के लिए असातिज़ा मुकर्रर करेंगे ताकि वो हमारी सकाफत को सीख सकें। मदरसों के तलबा के लिए संस्कृत पढ़ना लाजमी होगा। शम्स ने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने उन्हें यकीन दिलाया है कि हुकूमत बच्चों की तालीम के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। शम्स ने कहा कि बुनियादी तौर पर गरीब, पस मंजर रखने वाले बच्चे और यतीम बच्चे मदरसों में जाते हैं। उन्हें रवायती तौर पर सिर्फ अरबी और कुरान पढ़ाया जाता है। अगर ऐसे पस मंजर के बच्चों को ऐप खोलने का मौका दिया जाता है तो वो कमाल कर सकते हैं और इंजीनियर, साइंसदान और डॉक्टर बन सकते हैं। हमारे साबिक सदर APJ अब्दुल कलाम एक बेहतरीन मिसाल है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन की ताज़ा तरीन मुलाकात पर अमेरिका ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। उनका कहना है कि अगर दोनों ममालिक के दरमियान हथियारों का मुआहदा होता है तो अमेरिका नई पाबंदियां आयद करने से पीछे नहीं हटेगा। अमेरिका का कहना है कि जिस तरह से रूस और शुमाली कोरिया हथियारों के मुआहदे पर बातचीत कर रहे हैं वो अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की क़रारदाद की खिलाफ वर्जी होगी। दूसरी जानिब रूस के दौरे पर आने वाले शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने रूसी सदर पुतिन को शुमाली कोरिया आने की दावत दी, जिसे पुतिन ने कबूल कर लिया। अमेरिका ने रूसी सदर पुतिन और शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उनके दरमियान मुलाकात पर तश्वीश का इजहार किया है। अफ्रीकी मुल्क लीबिया डेनियल तूफान के बायस आने वाले सैलाब से बड़ी तरह मुतासिर हुआ है। सैलाब की वजह से हजारों लोग जहाँ बहक हो गए हैं, हर तरफ सड़कों और इमारतों के पास नाशों का अंबार लगा है। हुकाम का अंदाजा है कि ताज़ा तरीन सैलाब में मरने वालों की तादाद 2000 तक होगी। 10,000 से ज्यादा अब भी लापता है। इस दौरान लीबिया के शहर डेरना के मेयर अब्दुल मुनाइम ने अरबी टेलीविजन को बताया है कि इस आफत की वजह से शहर में होने वाली हलाकतों की तादाद 18,000 से 20,000 तक बताई जा रही है। उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि समंदर पर जगह जगह नाशें बिखरी हुई नजर आ रही हैं। उन्हें देखकर बहुत दुख होता है। उन्होंने कहा कि तदफीन या इज्तिमाई तदफीन की कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि सैलाब के दौरान बहुत से लोग पानी में डूबकर मर गए हैं। बाबा अकबर।
कमल खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सौतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद जैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये कैसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया जी बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर सैयदा सादिया, RNS यूनानी फार्मेसी के चेयरमैन। प्रोडक्ट हमारे पास यूनी स्टोन है, इसके फायदे बहुत ज्यादा है अल्लाह के फजल से। गुर्दे और पित्ते की पत्री ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पत्री फॉर्म होने नहीं देती है ये दवा। और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 साल से मैं किडनी स्टोन की वजह से बहुत परेशान था, कई हॉस्पिटल्स में फिरा, डॉक्टर ये बोले कि ऑपरेशन करना लाजमी है, लिहाजा मैंने यूनी स्टोन का इस्तेमाल किया। 3 महीने के अंदर मेरा स्टोन किधर गया पता ही नहीं चला। थैंक यू फॉर यूनी स्टोन। नैन ఒక సంవత్సరం నుంచి కిడ్నీ స్టోన్ తో చాలా బాధపడ డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్తే చాలా ఖర్చు అవుతుంది, అంతలో ఏం చేయాలో అర్థం కానప్పుడు స్క్రీన్ పైన వీళ్ళ నంబర్ చూసి ఆన్లైన్ లో ఆర్డర్ చేశారు। ఆర్డర్ చేసిన వెంబడే వాళ్ళు యూనీ స్టోన్ వాళ్ళు పౌడర్ పంపించారు, అది తాగిన వెంబడే क्योंकि मेरी मिसिस को 14x10mm था बाल ग्लैडर में, तो बोले कंकर अभी जो है रिड्यूस हो गया, इतना हुआ 4x6 आया। ये मेरा रिपोर्ट था, देखिए 22x14mm मेरे को कंकर थे, उसके बाद 18mm तक मेरे को यहाँ तक कम हुआ सो है। 3 महीने से दवा खा रहे हैं, मेरे को फायदा है जी। हमारे सास को 80 साल के है, उन्होंने पित्ते में थे उनको कंकर, उठने बैठने नहीं आ रहा था उनको, ना तो खाना हजम हो रहा था ना कुछ, नहीं क्या नहीं, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत फायदा हो। रशीद जी आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सज्जाद जी, मैं इस दवा के बारे में खास बात कहना चाहता हूँ कि जो भी एक बार खाएगा वो फिर उसको दोबारा कभी स्टोन नहीं आएगा। एक बार खाइए और हमेशा के लिए। दोस्तों जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये दवा सिर्फ हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर के कौन से भी कोने में आप ये दवा मंगा सकते हैं ऑनलाइन के जरिए। सिर्फ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए और स्क्रीन पे दिए हैं, डायल करें और अपने घर पे आपको अपनी दवा मिलेगी। मैन्युफैक्चर बाय RNS यूनानी फार्मेसी, अपोजिट आंध्रा में बहादुरपुरा एक्स रोड हैदराबाद। खाइए और निजात पाइए। RNS यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा ताज़ा अपडेट मिलती रहे।